घर का शेफ प्रामर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम गेहूं के आटे से और चॉकलेट सिरप से बहुत ही बढ़िया बिस्किट बनाएंगे। ये बिस्किट खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा, सभी को पसंद आएगा, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे एक कप गेहूं का आटा लिया है और दो चम्मच मैंने बटर लिया है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, इसको डाल देंगे। और तीन चम्मच मैंने देखिए चॉकलेट सिरप लिया है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था तो ये जम गया है, इसको डाल देंगे। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और चार से पाँच चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे। थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कटा हुआ बादाम डाल देंगे, आप अपने पसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग सोडा होगा, ये डाल देंगे। अब इसको हम हाथ से अच्छी तरीके से मिला लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम थोड़ा सा दूध भी इसमें डालेंगे। तो ये देखिए ऐसे हो गया है ये, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, पहले एक चम्मच डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि गीला हो सकता है ये। एक चम्मच हम और लेंगे, ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब हम इसमें दूध नहीं डालेंगे, अब हम बिस्किट बनाना शुरू करेंगे। और बिस्किट हम कढ़ाई में बनाएंगे, तो मैंने पहले ही कढ़ाई में नमक डाल के रख दिया है गर्म होने के लिए। थोड़ा सा हम इसमें से लेंगे और इस तरह से गोल कर लेंगे और इसको हम इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से करके हम एक प्लेट में ऐसे रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम सब बिस्किट बना के रख लेंगे। पहले इतना मैंने बना के रख लिया है तो इसको पहले बेक होने के लिए रख देंगे, फिर दूसरा हम बनाएंगे। बिस्किट बेक करने के लिए हम इस तरह से एक प्लेट लेंगे और एक एक बिस्किट हम इस पर रख देंगे। ऐसे थोड़ा सा हम गैप रखेंगे, एकदम सटा के नहीं रखेंगे। इसको हम कढ़ाई में रखेंगे। ये देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो ये प्लेट हम इसमें रख देंगे और इसको हम ढक देंगे। गैस फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और इसको कम से कम 15 मिनट तक रहने देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। 15 मिनट हो गया है तो हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से फूला हुआ है और बहुत अच्छे से ये चिटक भी गया है, लेकिन अभी हम इसको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए और रहने देंगे। पांच मिनट और हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये दूसरे प्लेट का बिस्किट हम ऐसे रख देंगे और इसको भी ढक देंगे और इसी तरह से इसको भी बेक करके हम निकाल लेंगे। और ये वाला थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसको प्लेट से निकालेंगे, अभी बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, अब हम इसको प्लेट से निकालेंगे। ये देखिए बिस्किट मैंने निकाल दिया है और दूसरे वाले प्लेट का बिस्किट भी बेक होके ठंडा हो गया है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए बिस्किट बनके तैयार हो गया है और ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है क्योंकि हम इसको गेहूं के आटे से बनाए हैं। तो ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से बेक हो गया है, ये देखिए। तो इस तरह से आप भी बिस्किट बना सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये चॉकलेट बिस्किट पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।